एसएससी सीजीएल 3 डेज फ्री डेमो क्लास दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ प्रयाग सिविल एकेडमी रामपुर गार्डन बरेली। हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का व्यू, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज की इस मैथ्स की क्लास में हम लोग देखेंगे विभाजन के नियम, जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं। और आप जब क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हो तो जल्दी ये नहीं पता चलता है कि ये नंबर किससे कटेगा, तो आज आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। आप नंबर देख के बता दोगे कि वो कैसे कटेगा। अगर आपको ये जानना है नंबर कैसे कटेगा, कितनी आसानी से कटेगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो उम्मीद करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि आप लास्ट में एकदम विभाजन के रूल को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विभाजन के रूल। विभाजन के रूल देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के। तो सबसे पहला विभाजन का रूल देखेंगे हम दो का। सबसे पहला विभाजन रूल जो हम देखेंगे दो का, तो दो से विभाजन के रूल की अगर हम शुरुआत करते हैं तो दो से विभाजन का नियम क्या होता है। देखिए, इसके पहले अगर हम बात करें जीरो और एक, अगर जीरो की हम बात करते हैं तो जीरो जो है सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। जीरो सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, लेकिन अगर किसी नंबर को हम जीरो से विभाजित करते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, वो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। और अगर जीरो बाई जीरो करते हैं तो हो जाता है, जीरो बाई जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एक की बात करते हैं तो एक किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं होता, एक किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं होता है, लेकिन एक सभी को पूर्णतया विभाजित कर देता है। अगर एक की हम बात करें तो एक किसी से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, लेकिन एक सभी नंबरों को पूर्णतया विभाजित कर देता है। जो हमारे काम की चीज है वो हमारा स्टार्ट होता है दो से, जो हमारे क्वेश्चनों में यूज होगा। कोई नंबर टू से कम्प्लीटली डिवाइड कब होता है, तो इसके लिए आपको समझना है टू का रूल होता है कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट टू से डिवाइड हो जाए, किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर टू से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट में क्या मिल जाए, लास्ट में एक जीरो मिल जाए। अगर किसी संख्या को हमें 2 से डिवाइड करना है और हमें देख के बताना है ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसकी लास्ट डिजिट पे फोकस करो। अगर लास्ट डिजिट 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर लास्ट में क्या हो, जीरो हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नंबर आपके सामने लिखे गए हैं, आप इन नंबरों को देख के हमें बताओगे कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछें पहला नंबर डिवाइड हो जाएगा तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इकाई के स्थान पे 8 आया है और 8 पूर्णतया विभाजित होता है। यहां पर 3 आया है, सर ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये नंबर बिल्कुल नहीं होगा, ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर नहीं होगा और ये नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 2 का कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 2 के बाद अगर हम बात करते हैं 3 की, अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 कहता है कि सम ऑफ डिजिट, 3 कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो नंबर पक्का 3 से कट जाएगा। अगर संख्या की सम ऑफ डिजिट कट जाएगा 3 से, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जब भी आपके सामने कोई नंबर आएगा जैसे हमने लिखा 4, 3, 2, 1 और 5, हमने कहा ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप नंबर का सम करोगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। अगर इसका सम 15 आया है तो हमें पता है ये 15 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 15 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है और आपको बताना है वो नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख दूँ 7293154231691,
हमने कहा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना बड़ा नंबर तो कभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ट्रिक जाननी है। ट्रिक ये जाननी है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो नंबर कट जाता है। तो आप कहोगे सर ये कौन सी नई ट्रिक है, तभी तो आपने बताया था। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके अंकों को मैं जोड़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, अगर इसके अंकों को मैं जोड़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, तो क्या किया जाए। आप क्या करो, यहाँ पर उन नंबरों को हटा दो, यहाँ पर उन नंबरों को हटा दो जो 3 से कट जा रहे हैं, यहाँ पर उन नंबरों को हटा दो जो 3 से कट जा रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, उनके अंकों का योग, या फिर उनके अंकों का योग 3 से कट जा रहा है, तो आप उसे हटा सकते हैं। जैसे मैं देखता हूं 7 और 2 9 हो गया, ऐड करने की जरूरत नहीं है, 9 हटा दो, 3 हटा दो, 5 और 1 6 हो गया हटा दो, 4 2 6 हो गया हटा दो, 3 हटा दो, 6 हटा दो, 9 हटा दो, और बचा क्या हमारे पास 1 और 1 2, इसको ऐड कर लो तो 1 और 1 2 हो गया। अब हम देखेंगे जब ये 1 1 2 हो गया तो ये क्या 2 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे सर डिवाइड नहीं होगा, सर डिवाइड नहीं होगा 2, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो जल्दी से ट्राई करके बताओ ये नंबर 3 से डिवाइड होंगे या नहीं। आइए देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी का रूल। हमने अभी तक आपको बताया है 2 का 3 का, और अब देखते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो सकता है। तो अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 में जैसे आपने 2 में देखा कि 2 का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है हमारा लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं 2 में, तो हम 4 में क्या करेंगे, 4 में हम जो है लास्ट की 2 डिजिट को कंसीडर करेंगे। 4 लास्ट की जो है हम 2 डिजिट को यहाँ पर देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगी, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर क्या हो लास्ट में 00। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर आपके सामने आएगा तो आप उसकी लास्ट की 2 डिजिट पर फोकस करेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर लास्ट में क्या हो 00 हो, अगर लास्ट में 00 है तब भी वो नंबर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम देखेंगे आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे हम पहले एग्जांपल की बात करें, क्या ये नंबर 4 से कटेगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट बन रहा है 24, और 24 जो है वो कट जाएगा, तो आपको फोकस करना है लास्ट की 2 डिजिट पे। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी के नंबर आप चेक कर लीजिएगा कौन सा डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा। आगे चलते हैं तो अब आती है बात 5 की। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 का रूल बहुत ही इजी होता है, और एलसीएम एचसीएफ में इसका हम काफी यूज करेंगे। अगर 5 की बात करें तो 5 कहता है कि किसी नंबर को मैं तभी डिवाइड कर सकता हूं जब लास्ट में उसके क्या हो, उसके लास्ट में या तो क्या हो 5 हो या तो फिर क्या हो 0 हो। किसी नंबर के लास्ट में या तो 5 होगा या तो 0 होगा तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वेरी इजी रूल है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है जो 5 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 6। 6 की अगर हम 6 की बात करें तो ये एक जो है इवन नंबर है, सम संख्या है। अच्छा, ये बनता कैसे है, तो 6 बनता है 2 × 3 से। अगर 6 2 × 3 से बनता है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर 6 से डिवाइड होगा उस नंबर को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है बहुत अच्छे से, ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने आपके सामने एग्जांपल लिया कि बताओ ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा।
ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको होगा सर इस नंबर को चेक करने के लिए हमें 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। अच्छा 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी हम पहले किससे चेक करें, 2 से कि 3 से? तो हम आपको कहना चाहेंगे कि पहले आप 2 से चेक करो। क्यों? क्योंकि 2 से हम देख के बता सकते हैं ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे ये नंबर आपके सामने है, अगर यहाँ पर लास्ट में 3 आया है तो हम बता सकते हैं ये 2 से नहीं कटेगा। मान लीजिए आपने पहले इसको 3 से चेक किया और 3 से अगर ये कट रहा है, फिर जब लास्ट में आप 2 पे आएंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि पेपर में बैठने के बाद टाइम बहुत कीमती होता है, तो यहाँ पर पहले हमें किससे चेक करना है? अगर 6 की बात आएगी तो 6 को पहले आपको चेक करने के लिए 2 से चेक करना पड़ेगा। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप इसे चेक करोगे 3 से। जैसे मैं इस नंबर की बात करूं, ये नंबर 2 से ही नहीं डिवाइड हो रहा है तो 6 से कभी नहीं होगा। अगर ये 3 से हो भी जाए ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस नंबर की अगर बात करें तो ये नंबर देखो 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। लेकिन अगर इस नंबर की बात करें तो ये 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 का रूल ऑलरेडी आपको बताया गया है। जब 2 से हो रहा है तो अब इसको हम चेक करेंगे 3 से। 3 से चेक करने का रूल हमने क्या बताया कि या तो सबको सम कर लिया जाए या तो उन नंबरों को वहां से हटा दिया जाए जो जो 3 से कट रहे हैं। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, हटा देते हैं। 8 और 5 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा, और 13 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो आप 6 अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं 7 की तरफ। अब चलते हैं 7 की तरफ और आप 7 को बहुत ध्यान से समझें। अगर हम 7 की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का रिजिबिलिटी का रूल है वो क्या है। 7 का रूल होता है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। कोई भी संख्या है उसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसमें से उसे माइनस कर दो। अगर माइनस करने के बाद जो नंबर मिलता है, अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर पूरा पूरा 7 से डिवाइड होगा। अगर वो 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, तो यहाँ पर आप 6 से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? हम आते हैं 7 पे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने आपके लिए एग्जाम्पल ले लिया 343, 343। हमको पता है कि ये क्यूब होता है 7 का, बट हमें रूल को अप्लाई करना है। तो हमने क्या बताया कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को हम क्या करें, 2 टाइम्स कर दें। हमेशा लास्ट की डिजिट को आपको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो इसको जब हम 2 गुना करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 6 को आपको माइनस कहां से करना है, शेष नंबर से। इस 3 से कोई मतलब नहीं है। अब इस 6 को हम यहां से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। और हमको पता है ये 28 जो है वो 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी क्या होगा, 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 7 का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और देखें और इसे लगाने का प्रयास करें, ठीक है? ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए हैं। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ 488, तो आप क्या करोगे? तो मैंने बताया है इकाई अंक का डबल करो, तो इसका डबल करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर 16 को मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, 16 को मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। क्या बचा है, 32। क्या ये 32 7 से डिवाइड होगा तो नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर कुछ बड़े होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 2593, तो आप क्या करोगे, पहले आप इसका तो डबल करोगे, यहां से माइनस करोगे 6, तो आपके पास बचेगा 253। अभी भी ये नंबर बड़ा है, तो आप क्या करोगे, उसी प्रक्रिया को दोबारा लगाओगे, फिर आप इसका डबल करोगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से माइनस करोगे 9 और यहाँ से आ जाएगा 1। रिमेनिंग क्या बचा है, 19। तो अब आप 19 को चेक करोगे, क्या ये 19 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो पूरा नंबर हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो आप डिविजिबिलिटी में 7 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं और इस रूल को भी आपको जानना है, क्योंकि रूल आपको आना चाहिए पेपर में, चाहे आप 7 से डिवाइड करें या फिर रूल यूज करें, ठीक है? आगे चलते हैं और अगला जो रूल है वो किसका है, 8 का है। अगला रूल है
एट नंबर वो है, एट का रूल है, इसे हम कहेंगे। एट में हमने क्या देखा, देखिए हम टू से कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट देखा था, यहाँ पर हमने लास्ट टू डिजिट देखा था, और यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट थ्री डिजिट। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लास्ट थ्री डिजिट देखते हैं। किसी भी संख्या की अगर लास्ट के तीन अंकों से, किसी भी संख्या के लास्ट के तीन अंकों से बनी संख्या अगर एट से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा नंबर एट से डिवाइड हो जाएगा, या फिर क्या होना चाहिए, लास्ट के तीन अंक, लास्ट में तीन क्या होने चाहिए, जीरोस होने चाहिए। या तो किसी संख्या के लास्ट के तीन अंकों से बनी संख्या एट से डिवाइड हो जाए, या तो फिर लास्ट में तीन जीरो होना चाहिए। अगर लास्ट में तीन जीरो होते हैं तो वो नंबर डेफिनेटली एट से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें ये नंबर, अगर इस नंबर की हम बात करें 4, 5, 8, 9, 5, 8, तो हमें क्या करना है, लास्ट के तीन नंबर पे फोकस करनी है, लास्ट के तीन नंबर पे फोकस करना है। अगर लास्ट के तीन नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर इसे हम लास्ट डिवाइड करेंगे तो 8 अंजा 8 आ जाएगा, 1 बचेगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 15, 8 एकम 8, 7 15, 78, 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड नहीं हुए हैं। वहीं पर अगर मैं आपके सामने कोई नंबर ऐसे लिख देता हूँ, हमने कहा ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर ये नंबर डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 जीरो है। अगर लास्ट में 3 जीरो है तो ये नंबर पक्का कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8 का रूल। आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा रूल है वो है 9। अगला जो रूल है वो हमारा है 9, और 9 भी कहता है कि सम ऑफ डिजिट। जिस प्रकार 3 कहता था, जिस प्रकार 3 का रूल था कि सम ऑफ डिजिट, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो नंबर 3 से कट जाता था, उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वो नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो बात आती है कि जिस प्रकार 3 में हम ऐड करके हटा देते थे, जो तीन से कट जाता था उसे हटा देते थे, उसी प्रकार क्या हम यहाँ हटा सकते हैं, तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल हटा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपके सामने ये नंबर है, ये नंबर आपके सामने है, आपको बताना है ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप इसे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, सम ऑफ डिजिट जो आएगा, उसे आप 9 से डिवाइड कर लो। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं, मेरी राय है कि आप ऐड ना करें। आप कैसे करो, आप देखो ये 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, 7 2 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, 4 और 5 9 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग क्या आया है, 1, और ये 1 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। बाकी नंबर आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें देख के बता सकते हो कि कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा। पहले नंबर की अगर हम बात करें, हमने देखा ये 9 हटा दो, 5 4 9 हो जाएगा, हटा दो 8 और 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और वो 12 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करते होंगे कि 9 तक का रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 10 का रूल बहुत ही आसान है। अगर लास्ट में जीरो होगा तो वो नंबर 10 से कट जाएगा। बहुत आसान सा रूल है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो होगा तो वो नंबर 10 से जरूर कट जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा है 1 से लेके 10 तक के विभाज्यता के रूल। अगले वीडियो में हम देखेंगे 11 से लेके 20 तक, और अगले वीडियो में कुछ स्पेशल रूल भी होंगे। तो अगला वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें, इंतजार करें अगले वीडियो का। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह रोमन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ISPCS दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा प्री कम मेंस हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में नए बैच प्रारंभ, प्रयाग सिविल अकेडमी, रामपुर गार्डन, बरेली। एक बार डेमो क्लास अवश्य लें। SSC CGL 3 days फ्री डेमो क्लास। दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ, प्रयाग सिविल अकेडमी, रामपुर गार्डन।